ओके, क्या किसी खराब लोकेशन पे कोई प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए कभी भी? और ये खराब लोकेशन होती क्या है? इस सब को हम आंसर करेंगे अब इस वीडियो के अंदर। ऑलराइट, सो आई एम आशुतोष बोगरा, आई हैव बीन डूइंग रियल एस्टेट फॉर मेनी मेनी इयर्स, आई हैव ट्रांजैक्टेड विद सो मेनी पीपल, इतने क्लाइंट्स के साथ डील किया, इतने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस किए हैं कि बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लियर हो गए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आप सबके लिए भी क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये कि खराब लोकेशन होती क्या है? ठीक है, तो हम खराब लोकेशन उसको कह रहे हैं जहाँ पे नॉर्मली चीज़ें आराम से बिकती नहीं है, ठीक है, और हो सकता है वो किसी के लिए ख़राब ना हो। जैसे मैं आज ही किसी से मिला और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई मेन रोड पे, जो कि एक बिजी रोड हो, उस पर अगर कोई फ्लोर मिले तो मेरी वो प्रेफरेंस है। सो जनरली स्पीकिंग ऐसी लोकेशन थोड़ी सी सस्ती बिकती हैं या मुश्किल से बिकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घर के लिए क्वाइट लोकेशन चाहते हैं। नाउ ही इज़ अ लॉयर एंड ही नीड्स अ प्लेस फॉर हिज ऑफिस एक्ट, एंड लॉयर्स आर अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम रेजिडेंस, सो इट्स ओके। तो उनके लिए तो ये एक अच्छा हो गया, तो शायद उनके लिए वो खराब लोकेशन नहीं है। पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि भाई आज किसी ने एक प्रॉपर्टी ले ली, समझ लो आपको लगता है नहीं मेन रोड ठीक है, मुझे भी लगता है ठीक है, मैं भी रह सकता हूँ, पर आपको लगता है कि मेन रोड ठीक है और आपने वहाँ घर ले लिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? भाई प्रॉब्लम ये हो सकती है सिर्फ कि कल को अगर आप सोचते हो कि मुझे इसको वापस बेचना है, तो हो सकता है आपको लंबा टाइम लगे। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आज आपको वो ज़रूर एक अच्छे रेट पर मिल रही होगी, या समझ लो जो एक पार्क फेसिंग या कोई अंदर की अच्छी लोकेशन होती है, अगर उस पर कोई चीज़ 15 करोड़ की है, तो ये हो सकता है डील हो अंदाजन 11-12 की, ठीक है ना। सो या अगर बाहर या अगर वो 11-12 की है तो 8-9 की हो, तो डील तो बहुत अच्छी है। अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक रहना है कि आप सोच रहे हो यार ये बेचना थोड़ी है, रह रहे हैं 10-15 साल रहेंगे, ले रहे हैं अभी तो घर बना रहे हैं और हमें तो सूट करता है, ठीक है ना, इतना बड़ा 500 गज का मिल रहा है, हमारे को तो 300 गज का मिल रहा था, अब हम मेन रोड पे ले रहे हैं तो हमें 500 गज का मिल रहा है, बहुत बिजी है पर साउंड प्रूफ ग्लास है, आई डोंट केयर, ठीक है, या आपको अंदर की गलियां ही पसंद नहीं है, यू नो, और आप कह रहे हैं हम लंबा यहाँ पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ले लो, ठीक है। पर ये बात ध्यान रखना कि अगर आज वो सस्ता बिक रहा है तो उसका एक रीज़न है कि उसके बायर शायद कम है मार्केट में, जिस चीज़ के बायर ज़्यादा थोड़ा महंगा ही बिकता है, कल को जब आप भी बेचने जाओगे तो आपको भी बायर्स कम मिलेंगे और ये हो सकता है कि आपको भी थोड़े से कम रेट पे ही बेचना पड़े। बट अगेन इट इज़ फाइन बिकॉज यू गेटिंग इट चीप, आपको भी आज सस्ता मिल रहा है और आप भी कल सस्ता ही बेच दोगे, है ना। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के उससे देख रहे हो कि भाई ले लेते हैं और इसको हम बेच देंगे क्योंकि ये तो सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला, आप सस्ता ही लोगे और फिर सस्ता ही बिकेगा। इट इज़ नॉट दैट यू गोइंग टू कि आप 9 का ले रहे हो और आप उसको 12 का बेच दोगे, मेन रोड्स पे या किसी भी और ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कि रेट्स अगर थोड़े से कम होते हैं तो उसका एक रीज़न होता है, ठीक है। समझ लो आपका घर किसी मॉल के ऑपोजिट है या किसी मार्केट को फेसिंग है या किसी गांव को फेसिंग है, तो गांव के सामने भी क्या होगा, बहुत ट्रैफिक हो जाता है और लोग यूजुअली प्रेफर नहीं करते, या आसपास कोई ऐसी चीज़ है, कहीं झुग्गियाँ हैं या कहीं ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से रेट्स कम हो जाते हैं अगर, तो एज एन इन्वेस्टमेंट तो उनको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी, यू शुड कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, CA, whoever, लॉयर, यू नो, आई एम नॉट सेइंग मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा आपको, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमने मार्केट में ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसी चीज़ें कई बार लोग ले लेते हैं कि भाई बहुत सस्ती मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है, फिर वो फंस जाते हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है। पर अगर आप रहने के लिए ले रहे हो और आपको लगता है हमने तो 10-15 साल 20 साल रहना है, हमने कभी बेचना ही नहीं और हमें तो मेन रोड सूट कर दिया, तो उस केस में शायद ये बहुत ज़्यादा सेंस बना दो, क्योंकि कहाँ आप 300-400 गज का फ्लोर ले रहे होगे, कहाँ आपको 500-600 का मिल जाएगा, या 500-600 का ले रहे होगे आपको 1000 गज का शायद मिल जाएगा, अगर थोड़ा पुराना मिल जाएगा तो और भी सस्ता होता जाता है। सो बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें आ जाती हैं। सो फार इफ यू लाइकिंग द वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना सदर, सो दैट इट रीचेज मोर पीपल, एक्चुअली दैट इज़ द मेन आइडिया। इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करोगे और उससे बात करोगे तो वो आपको काफ़ी सारी एडवांटेजेस ऐसी एक प्रॉपर्टी में दिलवा सकता है जहाँ पे कि लोकेशन थोड़ी सी प्लस माइनस हो और उसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छी डील मिल जाए। बट अगेन अगर आप सोच रहे हो कि मैं लेके बेचने वाला हूँ तो फिर ऐसी चीज़ में ना ही पड़ना, चाहे कितनी भी सस्ती। ऑलराइट, आई होप दैट हेल्प्स।